हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम यू थिंक विद्वीपो तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की सब्जी तो इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है एक प्याज ले लिया है पंद्रह से बीस लहसुन की गलियाँ ले ली हैं चार मैंने हरी मिर्च ले ली है और एक या दो इंच अदरक का टुकड़ा अब इसका हमें ना पेस्ट तैयार करना है टमाटर का अलग पेस्ट तैयार करना है और उसका अलग अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है पेस्ट तैयार हो चुका है ऑलरेडी इसमें मैंने दो ग्राम बेसन डाल दिया है अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी छोटा चम्मच से एक चम्मच जीरा इसमें डाल देंगे जीरा डालने के बाद इसमें हम चिली फ्लैक्स डाल देंगे छोटे चम्मच से एक या दो चम्मच आप जितना तीखा खा सकते हैं उतना डाल सकते हैं अब यहाँ पे हम जो है वो हमने जो पेस्ट बनाया था ना उस पेस्ट को दो बड़े चम्मच इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने अदरक का और लहसुन का और मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना उस वो उस पेस्ट को डाल दिया टमाटर का पेस्ट तो हमने अलग बना रखा है अब इसमें हम हल्दी पाउडर मिला लेंगे छोटे चम्मच से एक चम्मच अब यहाँ पे हम सॉल्ट डाल देंगे सॉल्ट छोटे चम्मच से एक चम्मच डाल रही हूँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा नमक आप खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका जो है अच्छे से बैटर तैयार करेंगे जैसे हमें चीला बनाना है ना तो उतना थिक जैसे चाहिए होता है बैटर उस तरीके से चीला बनाने के लिए हम इसको तैयार करेंगे और इसको जब आप पेस्ट बनाते हैं ना तो इसको अच्छे से देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम से परफेक्ट है अब इसको हम ना रेस्ट करने के लिए कम से कम आठ दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे दस मिनट बाद हमने यहाँ पे तावा गर्म कर लिया है इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और चिला है और चलिए चिल्ला बनाना शुरू करते हैं अब यहाँ पे मैंने इस तरीके से कलछी की हेल्प से यहाँ पे मैंने चिल्ला बना लिया है और इसको हम एक ही तरफ एक ही तरफ जो है कुक करेंगे दोनों तरफ नहीं कुक करना है आपको एक ही साइड से कुक करना है इसको अच्छे से आप किसी भी जो कल्ची होती है इसके इसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए नहीं तो आप नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे डायरेक्ट कल्छी से डाल के तावे ही हैंडल वाला अगर आपके पास तवा है ना तो आप ऐसे से अगर उसको टर्न करते हैं तो वो फैल जाता है अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कुक कर लेना है इसको एक ही साइड से पकाना है और फ्लेम याद रखिएगा मीडियम ही रखिएगा क्योंकि अगर हाई फ्लेम रहेगी तो ये जो है जल जाता है अब यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दे रही हूँ आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ऑयल आप इसमें ऐड कर लेंगे इसको थोड़ा सा क्रिस्प करेंगे यहीं पे तो पर छोटे स्पून से मैंने यहाँ ऑयल डाल दिया थोड़ा सा इसको ऐसे ही इधर उधर करके थोड़ा सा क्रिस्प कर लेंगे क्रिस्प करने के बाद यहाँ पे ही मैं कट कर ले रही हूं आप चाहे तो इसको बाद में प्लेट में निकाल के प्लेट में बाद में काट सकते हैं नाइफ की हेल्प से वरना आप अगर आपके पास ये वाली गलछी है तो आप इससे आराम से ऐसे कट कर सकते हैं कट करके इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने सारे चिल्ले के जो बनाना था चिल्ला वो सब बना के रख लिया यहाँ पे कढ़ाई रख दी है उसमें मैंने तेल डाल दिया है ते तेल जो डाल सकते हैं, दो से तीन चम्मच मैं जीरा डाल दूंगी जीरे को चटकने देंगे अब इसके इसमें हींग डाल देंगे हींग जो है छोटे चम्मच से आधा चम्मच हींग डालनी है आपको अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बनाया था जिसका मैंने यूज किया था चिल्ला बनाने में दो स्पून वो बचा हुआ जितना पेस्ट है हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे अच्छे से इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया देखिए ऑयल जो है अलग से सेपरेट हो गया है तो ये अच्छे से कुक हो गया है यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे यहीं पे छोटे चम्मच से हम यहाँ पे सब चीज़ों का मेज़रमेंट कर रहे हैं हाफ जो है चम्मच आपको हल्दी डाल देनी है अब यहाँ पर मैंने ये डाल दिया है गोमिन पाउडर जीरा पाउडर इसको कह सकते हैं हाफ चम्मच अब इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे इसी के साथ अब यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने है उसको मैंने मसल करके डाल दिया था ये मैंने एक बड़ा चम्मच भर के लिए अब यहीं पे हम एक छोटा चम्मच नमक डाल देंगे अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे हमने जो टमाटर का पेस्ट मैंने अलग से बना के रखा था उस पेस्ट को भी डाल देंगे और इसको भी सारे मसालों के साथ अच्छे से इसको भूंज लेंगे इसको तब तक इतना भूजना है कि इसका जो तेल है ना जो मसालों में से जो ऑयल है वो अलग से सेपरेट हो जाए अलग हो जाए इतना हमें इसको भूंजना है इसमें जो आपका फ्लेम रहेगा वो आपका लो टू मीडियम रहेगा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है और इसी तरह से चलाते हुए हम कुक करेंगे यहाँ पे हमारा मसाला अच्छे से भूंज गया है तो यहीं पे हम गरम मसाला डाल देंगे एक छोटे चम्मच से भर करके और इसको भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भूज लेंगे कि मसाला थोड़ा सा उसका जो कच्चापन है वो चला जाए यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो अब यहाँ पे हम पानी मिला देंगे तो जिसमें मैंने बेसन को घोला था ना तो वही वाला मैंने उसी में जो बेसन लगा हुआ था तो उसी में मैंने पानी डाल दिया है और जो है ये आप उबला पानी डाल सकते हैं ठीक है एक या दो ग्लास पानी आप डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल दीजिए तो यहाँ पर मैंने लगभग डेढ़ ग्लास के आसपास पानी ऐड किया है तो ये जो है सब्जी जो है ना वो चावल के साथ रोटी पराठे के साथ सबके साथ अच्छी लगती है तो इसको जो है थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाएं तो अच्छा है अब हमें जो है ये पानी हमने डालने के बाद इसको एक इन तक कुक करना है यहाँ बॉयल आना शुरू हो गया है तो यहाँ पे हम जो फ्लेम जो है वो एकदम लो कर देंगे और चिल्ला डालना शुरू कर देंगे जो चिल्ला हमने बना कर रखा था तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्लेम याद रखिएगा लो ही रखना है क्योंकि बेसन के चिले हैं ये टूट जाते हैं ये बहुत ही मतलब आराम से निकालने वाली सब्जी है ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ऐसे पूरा चला देंगे तो उससे ये मिक्स हो जाएगा क्योंकि बेसन का ही बना हुआ है ये चिला। तो यहाँ पर हमने इसे चलाना नहीं है ये जैसे हमने ऐड कर दिया थोड़ी देर जो है इसको हम ऐसे पूरा ये जो बेसन का जो चिल्ला है ये पूरी ग्रेवी को अच्छे से अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले इतना बस इसको कुक करना है लगभग एक दो मिनट उसके बाद यहाँ पे हमें जो फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है और इसको ऐसे ही ढक करके दो मिनट के लिए छोड़ देना है तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था देखिए ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है अब इसको चलाना नहीं है चलाने वालाने से ना पूरा मिक्स हो जाएगा ये तो इस तरीके से इसको आराम से चम्मच से निकालना है पीसेस को और सर्व करना है आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस कमेंट करिएगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय